नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि बारिश में अपने मेकअप को किस तरह से बचाया जाए। आप सभी को पता है कि बारिश का मौसम आ चुका है और मौसम अगर भीगने वाला हो तो अक्सर हमारा मेकअप भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि भीगने की वजह से या बारिश की कुछ बूंदों की उड़ने की वजह से भी हमारा मेकअप ख़राब हो सकता है। वो हमारे चेहरे पर फैल के हमें और भी गंदा दिखा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान से कुछ टिप्स बताऊँगी और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद भी होगी। तो चलिए इस वीडियो को देखेंगे। पर तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बाजू में एक बेल आइकन बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सके तो बारिश में फाउंडेशन का इस्तेमाल न करें और बारिश में किसी कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल यानी फेस पाउडर का इस्तेमाल करें और अपने साथ हमेशा बैग में पाउडर को रखें, जिससे अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी डलनेस आ गई है बारिश की वजह से तो आप पाउडर यानी कॉम्पैक्ट को लगा के अपने चेहरे को फ्रेश कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लिक्विड फाउंडेशन जो कि वाटरप्रूफ हो, इस तरह के फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भी आपका चेहरे पर मेकअप नहीं फैलेगा। इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँगी कि बारिश के गीलेपन से अक्सर हमारा मेकअप जो है ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको हमेशा लाइट मेकअप करना चाहिए या ऐसा मेकअप करना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत निकल भी जाए तो आपको परेशानी ना हो। पर अगर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड मेकअप करेंगे और बारिश की वजह से अगर वो निकल गया तो वो दिखने में भी ख़राब लगेगा, इसलिए हो सके तो नेचुरल लुकिंग वाला मेकअप करें। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आई मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमेशा वाटरप्रूफ चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि वाटरप्रूफ मस्कारा, वाटरप्रूफ आईलाइनर और वाटरप्रूफ काजल भी। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है बारिश के गीलेपन से फैलेंगी नहीं और आपका मेकअप जैसे के वैसा रहेगा। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बारिश के गीलापन से हमारे लिप्स पर जो भी लिपस्टिक होती है या लिप ग्लॉस होता है वो निकल जाता है, इसलिए हो सके तो ड्राई वाली और जो लॉन्ग लास्टिंग मैट लिपस्टिक है उन्हीं का इस्तेमाल करें। इस तरह की लिपस्टिक जो है वो दिन भर बनी रहती है और वाटरप्रूफ भी होती है और बारिश के गीलेपन से जाती भी नहीं है। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर बारिश में आपका जो चेहरा है वो भीग जाए तो हो सके तो उसे कपड़े से ना पोछे या रगड़े ना, उसे एक टिश्यू पेपर से डैप करते हुए पोछे। अगर आप डैप करते हुए पोछेंगे तो आपका मेकअप जस के तस रहेगा, पर अगर आप रगड़ के पोछेंगे तो आपका मेकअप फेल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि आपको याद रखने चाहिए बारिश में मेकअप लगाने से पहले, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप और ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी और एक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।